आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी न्यूज देने वाले हैं अगर आप समूह से जुड़ी हैं, समूह की महिलाएं हैं तो वैसे अधिकतर इस बीच में हम समूह से जुड़ी ज्यादा जानकारियाँ आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं स्वयं तो सहायता समूह से संबंधित तो जो समूह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं क्योंकि सारी जानकारियां हम आपको इसी वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं अक्सर आजकल डेली आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ समूह से जुड़ी मिल रही है तो समूह से जुड़ी आज एक और न्यूज़ लेकर के आए हैं जो है विद्युत सखी ठीक है विद्युत सखी के बारे में हम आपको बताएँ एक विद्युत सखी है क्या और ट्रेनिंग भी हो हो रही है कुछ जगहों पर तो चलिए उसी के बारे में हम जान लेते हैं पूरी जानकारी तो अभी हम आपको ये जानकारियां दे देते हैं उसके बाद कुछ कमेंट भी हम यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था तो आंसर वहाँ पर नहीं मिल पाता है तो चलिए आंसर भी देंगे पहले हम आपको बता देते हैं जानकारियां आज है। के इस वीडियो में हम आपको समूह के बारे में दोबारा से जानकारियां लेकर के आ गए हैं समय समूह से संबंधित तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्युत सखी बनकर तो अभी तक आपने कृषि सखी बीस सखी समूह सखी सब सखी सुना था ना तो यहाँ पर अब बनेंगी विद्युत सखी ये देखिए विद्युत सखी बनकर आगे बढ़ेंगे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद कन्नौज की ये न्यूज़ है देख सकते हैं ये देखिए है। और ये अपडेट 26 अगस्त की 2021 की है ओके और चलिए हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल से दे देते हैं पहले तो देख लीजिए विद्युत सखी बनकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सशक्त बनेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सखियों ने काम शुरू कर दिया है बुधवार को विकास भवन में मोहम्मदाबाद कमालगंज और बढ़पुर क्षेत्र की विद्युत सखियों को ट्रेनिंग दी गई। विद्युत सखी निगम के कार्यों में न सिर्फ अपने हाथ बटाएंगी बल्कि खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगी बिजली बिलों का कनेक्शन करने को समूहों की महिलाओं के माध्यम से कराया जाएगा इस कार्य के लिए सकवाई के महिला संक समूह को नोडल सी एल एफ बनाया गया है ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख लीजिए विकास भवन में ट्रेनिंग के दौरान सुरेंद्र पांडे ने की बिजली सखी विद्युत सखी कहिए चाहे बिजली सखी ठीक है बनने वाली महिला को अपने गांव के किसी भी महिला समूह की सदस्य एंड्रॉयड फ़ोन धारक होना अनिवार्य है ऐसी महिलाएं पोर्टल पर अपना पंजीयन कराएंगी इनके लिए आधार कार्ड बैंक पासबुक ईमेल आई का होना अनिवार्य है पंजीयन के बाद विद्युत सखी को अपना वॉलेट सॉरी वॉलेट रिचार्ज कराना होगा इसके लिए अपेक्षित धनराशि विद्युत सखी की ओर से नोडल के खाते में जमा की जाएगी नोडल समूह की ओर से उतनी ही धनराशि का वॉलेट रिचार्ज कर दिया जाएगा उपभोक्ताओं को प्राप्त रसीद करने के लिए प्रत्येक विद्युत सखी को थर्मल प्रिंटर धन स्वयं की धनराशि से क्रय करना होगा जो वर्तमान बाज़ार में चार हजार पाँच सौ यानी कि साढ़े चार हज़ार से पाँच हज़ार तक उपलब्ध है निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ट्रेनर सुनन ने बताया कि ग्राम पंचायत और निकटवर्ती क्षेत्र में विद्युत सखी की ओर से बिल संग्रह किया जाएगा विद्युत बिल वसूली के लिए शिविरों के माध्यम से भी विद्युत सखियों को बिल जमा करने का अवसर और... यहाँ पर जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होंगी तो चलिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा अब आपके कमेंट का भी आंसर हम इसी वीडियो में दे देते हैं क्वेश्चन है बाराबंकी विकास खंड बनी कोडर ग्राम पंचायत नाथुपुर लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए आप अपने ब्लॉक में संपर्क करिए ना इसमें हम क्या बता सकते हैं मैम अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है कोई सूचना भी नहीं मिली है तो नहीं हुई होगी आपके यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होगा या भाई आवेदन कम आए होंगे इस वजह से नहीं हुआ होगा होगा ऐसा नहीं है ठीक है वेट करिए ऐप में आधार मार्कशीट से नहीं नहीं मैच है और ये सरकार धोखा दे रही है लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही है बीजे सखी को छः माह का मानदेय देने के बाद बंद पचहत्तर हज़ार रुपये लोन शायद लौटाने हैं ऐसी नौकरी नहीं चाहिए सिर्फ धोखा तो देखिए पहली बात तो आपको पहले से बताया गया था ना छः माह के लिए मानदेय आपको मिलेगा चार हज़ार रुपये उसके बाद आपका कमीशन के आधार पर आपकी कमाई होगी ये आपको बताया गया था पहले से ही वो आपको पहले सोचना चाहिए था ना इसमें हम हम क्या बताएँ आपको और कुछ लोगों के मैंने आंसर दे दिए थे मैम क्या कोई महिला एक सेजी से अपना नेम कटा कर दूसरे सेज्जी में अपना नेम जोड़ सकती है क्यों ऐसा क्यों करना है एक समूह से निकल कर दूसरे समूह से क्यों जोड़ना है इसके लिए आप अपने ब्लॉक में संपर्क करिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं ठीक है थीके? हमारे ब्लॉक में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक समूह में जुड़ी हुई है महिला और वो समूह को बंद करना चाहती है निकलना चाहती है फिर दूसरे समूह में जुड़ना चाहती है तो दूसरे समूह में नहीं जुड़ सकती है हमारे ब्लॉक में ऐसा है नियम अब आपके यहाँ क्या नियम है वो आप अपने यहाँ संपर्क करिए ठीक है जिन ब्लॉक में ट्रेनिंग नहीं हुई है उनकी ट्रेनिंग कब होगी अच्छा मिट की तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि ट्रेनिंग कब होगी अपने ब्लैक में संपर्क करते रहिए बराबर क्योंकि ब्लॉक से ही कॉल आई थी ठीक है नौ अगस्त को मेरे यहाँ ट्रेनिंग थी अब आपके यहाँ कब है उसके लिए आप अपने ब्लॉक में संपर्क करिए हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं आई है इसके बारे में कोई तारीख ठीक है और महिला मिट की लाइटर कब तक मिलेगा लाइटर क्या क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आता आप लोग पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछते हो मैम पर्सनल अकाउंट में बारह रुपये वाला सुरक्षा बीमा योजना है तो बैंक वाले से इसके लिए आप संपर्क कीजिए मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज कोई नहीं है ओके बैंक से संपर्क करिए मैम मेरे ग्रुप में दस ही हैं कोई बात नहीं दस हैं तो मैम ब्लॉक ट्रेनिंग कब होगी बी सही तो ट्रेनिंग तो हो रही है कहीं नहीं हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में ब्लॉक से संपर्क करते रहिए ठीक है, है कोई सूचना नहीं आ रही है बीसी सी की मैम अब नहीं हो सकता है क्या मेट में मेरा तो अगर आपके यहाँ से हो गया है किसी का किसी का सिलेक्शन हो गया है तो नहीं हो पाएगा बाद में होगा जब होना होगा जब दोबारा दूसरी महिला को रखा जाएगा तो फर्स्ट व्यूअर सर थैंक यू ओके तो यहाँ पर हम इनको पिन कर देते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कमेंट किया था मुझे तो चलिए और भी कमेंट्स हम देख लेते हैं कहाँ गए कमेंट क्या ये रुपए जमा करना पड़ेगा एस अकाउंट में पचहत्तर हज़ार आए आ गए हैं यस करें या नो करें अब आए हैं तो यस करिए ना आप लोग पता नहीं कैसा सवाल करते हो अजीबोगरीब आप लोगों का सवाल भी रहता है अगर पचहत्तर हज़ार आए हैं तभी तो यस करेंगे नहीं आए तो नहीं आए हैं यस yes, मेरे में आया है और मैम जाने होने के बाद सैलरी कब तक आएगी प्लीज़ रिप्लाई अरे तो आप लोग क्या पूछते हो हम कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं है सैलरी के बारे में आपको पूछना है कि सैलरी कब तक आएगी मुझे कोई थोड़ी बताया है कि सैलरी कब तक दे दी जाएगी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी अभी तक जब ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई है तो सैलरी के बारे में कोई कहाँ से बता पाएगा आपको काम करिए पहले ज्वाइनिंग हो काम करिए तब तो पैसा मिलेगा ऐसा तो है नहीं कि एक साल बाद पैसा मिलेगा हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग नहीं हुई है हो जाएगी नरेगा में मेल भी कर लग सकते हैं ऐसा मेरे पास कई कमेंट आया लोगों का तो देखिए नहीं लग सकते हैं ओके अभी तो महिला की ही हो रही है जब और जब पुरुष की होगी तो देखा जाएगा चलिए फिर इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपने ब्लॉक में भी संपर्क कर सकते हैं विद्युत सकी के बारे में ठीक है कि आपके ब्लॉक में ऐसी सुविधा दी जा रही है नहीं दी जा रही है तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग